हेलो दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में जनरल साइंस क्वेश्चन पार्ट फोर लेके आया हूँ। यदि आप पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री देख लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको दे दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया था? कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन बी, एडोल्फ गैस्टन यूजेन फिक ने ये आविष्कार किए थे। रक्तचाप किसके द्वारा मापा जाता है? रक्तचाप किसके द्वारा मापा जाता है? स्फिग्नोमीटर। ऑप्शन बी स्फिग्नोमीटर द्वारा। सापेक्ष गति में दो सतहों के बीच किस प्रकार का घर्षण बल लगाया जाता है? गत्यात्मक घर्षण। ऑप्शन बी, गत्यात्मक घर्षण। एक पिन होल कैमरा ऑब्स्कुरा की पहली तस्वीर किसके द्वारा खींची गई? किसके द्वारा खींची गई? जेम फ्रीडस डी रेडियो। ऑप्शन ए। किस प्रणाली पर लगाया गया बाहरी बल द्वारा उस प्रणाली को या एक प्रणाली के द्वारा किए गए ऊर्जा को यांत्रिक हस्तांतरण को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, काम कहते हैं। एक एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक को शुद्ध सिलिकॉन के साथ डोपिंग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन डी फास्फोरस और बोरान। किस भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं है? ऑप्शन ए, जड़ता गुण की नहीं है, दबाव की, तनाव की, पास्कल है। क्वेश्चन नंबर एट, किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है? ऑप्शन बी, विद्युत चालकता का। 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पानी के व्यवहार को प्रसार कहा जाता है, डैश प्रसार कहा जाता है? अनियमित। ऑप्शन डी। एक प्रक्षेप्य गति में प्राप्त की गई क्षैतिज सीमा एक समान होती है, चाहे वस्तु की थीटा और कितने डिग्री पर प्रक्षेपित किया जाता है? अंश पर प्रक्षेपित जाता है। ऑप्शन डी, 90 डिग्री अंश पर किया जाता है। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? सिकोस्की ने। ऑप्शन बी, वेन आरेक का द्वारा आविष्कार किया जाता है, वेन आरेक डैश द्वारा आविष्कार किया जाता है। ऑप्शन बी, जान वेन द्वारा। कैडमियम प्रदूषण किसके संबंध है? इटाई रोग से संबंध है कैडमियम का। ऑप्शन डी। विकिरण के सभी प्रकरणों अल्फा, बीटा, गामा का पता लगाने उनकी माप के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण क्या नाम है? ऑप्शन ए, जीजर मुलर काउंटर भी बोलते हैं। उष्मागति के किस नियम में बताया गया है कि ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है न ही नष्ट की जा सकती है, ऊर्जा केवल एक दूसरे रूप में हस्तांतरित की जा सकती है, किस नियम में बताया गया है? ऑप्शन बी, उष्मागति के प्रथम नियम में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, 10 वोल्ट की बैटरी से कितने से निकलने वाला एक कूलम आवेश के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? ऑप्शन सी, 10 जूल की। भोपाल गैस त्रासदी में गलती से विमुक्त जहरील गैस का नाम क्या है? मिथाइल आइसोसाइनर। ऑप्शन सी। रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का उपयोग किस लिए किया जाता है? फॉसिल्स की उम्र का अनुपात लगाने के लिए। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया की एक विशेषता नहीं है?
ऑप्शन सी, इसमें इलेक्ट्रॉन की खोना शामिल होता है। ऑटोमोबाइल उत्सर्जन का एक जहरीले प्रदूषण को बढ़ावा देता है। ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों ये पार्ट 4 की वीडियो, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।